हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे रोज बोले जाने वाले कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेज जो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट सेंटेंस है खाना लगा दो मीन्स सर्व द फूड, सर्व द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है कपड़े सुखा दो मीन्स पुट द क्लोथ्स टू ड्राई, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। नेक्स्ट है आंख मत मारो मीन्स डोंट विंक, डोंट विंक। इशारा मत करो मीन्स डोंट जेस्चर, डोंट जेस्चर। बहाने मत बनाओ मीन्स डोंट मेक एक्सक्यूज, डोंट मेक एक्सक्यूज। नेक्स्ट सेंटेंस है बिस्तर लगा दो मीन्स prepare the bed, prepare the bed। नल बंद कर दो means turn off the tap, turn off the tap। Next sentence है ढक्कन खोल दो means open the lid, open the lid। Next है दिमाग से काम लो means use your brain, use your brain। समझने की कोशिश करो means try to understand, try to understand। Next sentence is बकवास मत करो means don't talk nonsense, don't talk nonsense। जिद मत करो means don't be stubborn, don't be stubborn। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझसे पंगा मत लो मीन्स डोंट मैस विद मी, डोंट मैस विद मी। नेक्स्ट वी हैव नंगे पाँव मत चलो मीन्स डोंट वॉक बेयर फुट, डोंट वॉक बेयर फुट। नेक्स्ट वी हैव जूते पहन लो मीन्स पुट ऑन द शूज, पुट ऑन द शूज। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे गाली मत दो मीन्स डोंट अब्यूज हिम, डोंट अब्यूज हिम। नेक्स्ट वी हैव आटा गूंथ लो, आटा गूंथ लो मीन्स नीड द डो, नीड द डो। धूप सेक लो, धूप सेक लो को इंग्लिश में कहते हैं बास्क इन द सन, बास्क इन द सन। नेक्स्ट सेंटेंस इज अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है मीन्स इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। मैं तुम्हारा सर दबा दूंगा मीन्स आई विल क्लम्प योर हेड, आई विल क्लम्प योर हेड। नोचना, नोचना को इंग्लिश में पिंच कहते हैं, पिंच। हाथ मोड़ना, हाथ मोड़ना को इंग्लिश में ट्विस्ट द हैंड कहते हैं, ट्विस्ट द हैंड। जैसे आई विल ट्विस्ट योर हैंड। मालिश करना या चम्पी करना को इंग्लिश में टू मसाज कहते हैं, टू मसाज। दिल पर मत लो मीन्स डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट। ये वाला कैसा रहेगा मीन्स about this one, about this one। Next sentence is आप इतनी जल्दी में क्यों हो means why are you so hurry, why are you so hurry। तो बताओ क्या खाना चाहोगे means then tell me what would you like to eat, then tell me what would you like to eat। क्या आपको भूख लगी है means are you feeling hungry, are you feeling hungry। Next we have वह तो अभी घर पर नहीं है means he is not at home right now, he is not at home right now। मुझे जरा सोचने दो means let me think, let me think। Next sentence is इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं है बोलते हैं हम it is low in salt, it is low in salt। टाइम पर आ जाना मीन्स किसी से बोलते हैं हम टाइम पर आ जाना, तो बोलेंगे कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। तो दोस्तों, इस चैनल पे आपको डेली लाइफ में यूज होने वाले कॉमन इंग्लिश वर्ड मीनिंग की नॉलेज मिलती है। अगर आप ये डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले कॉमन इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।